हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ हेल्थ। और एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ स्वरांजलि। और दोस्तों, आज हम एक और समस्या के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं और उस पे कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दांतों में सड़न और दर्द। आजकल दांतों में सड़न और दर्द आम समस्या बन गई है। दांतों में छेद होने को वैज्ञानिक भाषा में कैविटी कहते हैं। मुंह में मौजूद एसिड के कारण दांतों के इनेमल खोखले होने लगते हैं। इसी कारण दांतों में सड़न होती है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया दांतों की सतह पर जमा होने लगते हैं, जिसे प्लॉक कहा जाता है। प्लॉक में मौजूद बैक्टीरिया खाने में मौजूद शुगर एवं कार्बोहाइड्रेट को अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इसी अम्ल के कारण दांत खोखले होने लगते हैं, इसीलिए कैविटी का निर्माण होता है। रात को सोने से पहले यदि आप मीठा खाते हैं और ब्रश नहीं करते हैं तो एक ही रात में आपके दांतों में सड़न होना शुरू हो जाता है। जैसे कि चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, कैंडी, इन चीजों का सेवन करते हैं और सोने से पहले आप ब्रश नहीं करके सोते हैं तो आपके दांतों में सड़न होना शुरू हो जाता है और आप ध्यान नहीं देते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ जाती है। दांतों में छेद होने लगते हैं, दर्द भी होने लगता है। इसके लिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। कैविटी को खत्म करने में और रोकने में काफी मदद करेंगे आपकी। नंबर एक, लहसुन। दोस्तों, लहसुन एंटीबायोटिक होता है। लहसुन आपके दांतों के सड़न की समस्या को दूर करता है और साथ ही दांतों में हो रहे दर्द को भी खत्म करता है। इसके लिए आपको लहसुन को छीलकर उसका पेस्ट बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कीजिए और जहाँ भी कैविटी है, जहाँ पे दर्द है, उसी जगह पे इस पेस्ट को रख लीजिए और दांतों तले दबा लीजिए। कुछ देर तक आप रखने के बाद इससे आपको दांतों की सड़न की समस्या और दांतों में हो रहे दर्द से राहत मिलेगी। इसके अलावा आंवला भी काफी मदद करता है कैविटी को रोकने में, क्योंकि आंवला में विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने में काफी मदद करते हैं। आंवले को बारीक काट कर उबाल लीजिए और इस पानी से आप दिन में 2-3 बार कुल्ला करें। इससे मुंह की बदबू भी खत्म हो जाती है, मुंह साफ होता है, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। और तीसरा उपाय है मुलेठे की जड़। मुलेठे की जड़ में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो आपके मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखने में काफी मदद करते हैं। मुलेठे की जड़ को पानी में उबालकर इसे कुल्ला करें दिन में 2-3 बार, ये भी आपको काफी लाभ पहुंचा सकता है। और चौथा उपाय सबसे सिंपल है, गुनगुने पानी में नमक डाल के आप इसे कुल्ला कीजिए, मुंह में थोड़ी देर रखिए, गरारे कीजिए, इससे भी आपके दांतों की कैविटी रुक जाती है, सूड़ों की सूजन खत्म होती है, बैक्टीरिया समाप्त होने लगते हैं। इसे आप दिन में 2-3 बार जरूर करें। इसके अलावा दांतों का दर्द भी असहनीय होता है। कभी कभी दांतों का दर्द इतना बढ़ जाता है कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इसके लिए आपको अमरूद की ताजी पत्तियां ले लीजिए, इसे आप थोड़ी देर चबाइए या पत्तियों को कुचलकर उबालिए और इस पानी को आप माउथ वॉश के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके दांतों का दर्द, दांतों में सूजन, घाव, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा दांतों के दर्द के लिए लौंग या फिर लौंग का तेल भी काफी कारगर उपाय माना जाता है। लौंग के तेल में कॉटन बॉल्स को डुबाकर उस दांत के नीचे दबा लीजिए जहां पे आपको दर्द हो रहा है, या फिर साबुत लौंग भी दबा सकते हैं, इससे भी आपको दर्द में जल्दी छुटकारा मिल जाता है। अगला उपाय है हींग। यदि आप तुरंत दर्द से राहत पाना चाहते हैं तो आपको हींग को किसी भी मौसमी फल के रस में मिक्स कर लीजिए और कॉटन बॉल बना लीजिए और कॉटन बॉल को इसी रस में डुबाकर अपने दांत के नीचे दबा लीजिए, इससे भी आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपने दांतों के नीचे हल्का सा गर्म करके प्याज भी दबा सकते हैं, इससे भी दांत दर्द में जल्दी राहत मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइज़।